सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 29 नवंबर की रात को यानी कि 12 बजे के बाद दिन पलट गए तो रात पलट जाएगी तो 30 नवंबर हो जाएगा। तो 30 नवंबर को सुबह 1:05 पर शुक्रदेव तुला राशि में जा रहे हैं, जो कि इनकी अपनी ही राशि है। और जब तुला राशि में प्रवेश कर लेंगे अगले 25-26 दिन के लिए, तो मेष राशि के लिए कैसा परिणाम रहेगा, आज हम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए बात करेंगे। वृषभ और तुला राशि का परिणाम हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आज हम केवल मेष राशि के लिए बता रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं, मीन में उच्च के और कन्या राशि में नीच के हैं, तो कन्या राशि में शुक्र को नीच का कहा गया है। शुक्र ग्रह जो है चमक धमक के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाएँ, स्त्री सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, विलासितापूर्ण जीवन और जीवन के मिलने वाले जितने भी भौतिक सुख हैं वो सभी शुक्र ग्रह से ही मिलते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में या जाति का ही कुंडली में शुक्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत पोजीशन में है, तो एक तो शुक्र का क्षेत्र जो है फिल्म इंडस्ट्री से भी होता है, डांस, नृत्य, कला, वादन, मतलब ये सब जो है चमक धमक के जो कारक है, जितने भी काम हैं वो सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और ख़ासकर जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, खुशबू वाली चीज़ें हैं, और जातक को जो जीवन में सुख मिलता है, कितना अच्छा मकान होगा आपका, गाड़ी, बंगले, ये सब शुक्र देव की ही जो है देन है। तो शुक्र यदि किसी का पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, कुंडली में अच्छा है, तो ये सभी सुख जो है किसी भी जातक या जातिका को प्राप्त हो सकते हैं। मगर अगर शुक्र कमज़ोर है तो ये जो है जीवन को नीरस कर देता है, यानी जीवन बिल्कुल बेकार कर देता है। इसके मजबूत होने से जो है आपके सभी प्रकार के कार्य बनते हैं, सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं, जीवन के भौतिक सुख। और यदि ये कमज़ोर हैं तो शादी विवाह में अड़चन आते हैं, स्त्री सुख प्राप्त करने में बड़ी बाधा आती है, सांसारिक सुख जो भौतिक सुख होते हैं जीवन में मिलने वाले उनमें बड़ी कष्ट होता है, तो इनका मजबूत होना बड़ा अच्छा है। हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए अगले 25-26 दिन कैसे रहेंगे जब शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र इस समय आपके जो है तुला राशि में रहेंगे और वहाँ पर बैठकर मेष राशि में जो बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहा है उस पर दृष्टिपात करेंगे, तो शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर रहने से बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र बृहस्पति जो एक दूसरे दृष्टि करते हैं तो ये अच्छा समय है, क्योंकि इस समय बृहस्पति आपके लग्न में रहेगा मेष राशि में और शुक्र सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है जीवन साथी, विवाह, व्यापार में पार्टनर आदि के लिए जाना जाता है। तो एक तो इस समय जो है आपके जो तुला राशि वाले हैं उनकी नवंबर दिसंबर में जो है शादी के लिए रिश्ता पक्का होगा और कई जातकों की जो है शादी की बात चलेगी और शादी का जो डेट फाइनल हो जाएगी उसके बाद शादी भी होगी, क्योंकि जो अभी तक रुके हुए थे शादी के लिए, शादी ब्याह में जो अड़चनें आ रही थी वो सभी अड़चनें दूर होगी, रिश्ता भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। शादी ब्याह के लिए जो दिक्कत है मेष राशि वालों की वो सब क्योंकि अब दूर होने का समय आ गया है। शुक्र इस समय आपका पावरफुल रहेगा और आपके लग्न को देखेगा, तो जिससे आपको एक तो फैसले निर्णय आदि लेने में दिक्कतें कम होगी, उसके बाद जो है आपके शादी ब्याह में आने वाली अड़चनें दूर होगी। साथ ही यदि व्यापार करते हो, पार्टनरशिप है आपकी, तो उसमें भी आपको पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही पार्टनर जो है आपका वो आपको सपोर्ट करेगा। और जो जीवन साथी है शादीशुदा जीवन में, दाम्पत्य जो है जीवन शादीशुदा लाइफ में जो है जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा, आपसे प्रेम, आपसी संबंध बने रहेंगे, प्रेम और गहरा होगा। तो ये मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, आपके लिए गए फैसले सराहे जाएंगे, आपके द्वारा किया गया काम जो है अच्छा रहेगा। इस समय कोई निर्णय आप ले रहे हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, अपने जीवन को लेकर हो, शादी ब्याह को, मामले को जो लेकर है, तो इसमें भी जो है आपको 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस समय हम बात करें जो आपके धन स्थान की, तो धन इस समय आपके पास अच्छा रहेगा, प्रचुर मात्रा में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, वाणी आपकी इस समय मधुर रहेगी, घर में जो परिवार का माहौल है वो काफ़ी खुशहाल रहेगा,
जो मेष राशि वाले जातक हैं, और इस समय जो है आपकी धन लाभ होने का चांस बन रहा है। इस समय धन संबंधी जो समस्या है आपकी वो दूर हो जाएगी, यानी कि जो धन से जुड़ी हुई जो समस्या थी अभी तक आ रही थी वो समस्या दूर होगी, और परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके हो सकता है। इस समय शनि आपका जो है लाभ स्थान में है, अपनी राशि में गोचर कर रहा है। मार्गी अवस्था में शनि का यहाँ पर होना आपके लिए लाभ करेगा। शनि इस समय लाभ लाभ आपको कराता रहेगा। इनकम के जो है नए नए स्रोत आपके खुलेंगे, नए व्यापार कोई आप शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। शनि महाराज इस समय आपको नित नए नए लाभ कराते रहेंगे, यानी कि इनकम ऑफ सोर्स से जो आपका वो खूब बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका इस समय मजबूत होगा जो मेष राशि वाले हैं, तो इस समय जो आपके किए हुए कार्य वो आपको अच्छा भविष्य में अच्छा परिणाम देंगे, तो शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने बड़ों से भी आपको लाभ होगा, जो आपके मतलब बड़े हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हो, चाहे ऑफिस में कहीं भी बिजनेस में हो, तो वो भी आपको जो अपना पूरा सहयोग देंगे, आपको अपनी सलाह से आपको सही मार्गदर्शन आपका करेंगे। राहु इस समय मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। राहु का मीन राशि में होना भारी क्षेत्र से संबंध खराब हो सकते हैं आपके, भारी क्षेत्र के साथ कई किसी के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। हालांकि यात्राओं का योग आपका बना रहेगा, विदेश यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा इस समय दिसंबर के दौरान, तो जो मेष राशि वाले इस समय यात्रा पर जा सकते हैं। अगर विदेश ना गए तो दूसरे राज्य में दूसरे शहर में जाने का अवसर प्राप्त होगा, चाहे वो यात्रा आपकी बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, नौकरी या बिजनेस में जो यात्रा का योग बन रहा है। और केतु आपके इस समय जो है छठे स्थान यानी कि कन्या राशि में गोचर कर रहा है। कन्या राशि का जो राहु है अपनी मित्र राशि में है बुध की, तो इस समय जो है एक तो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी, जो मेष राशि वाले जातक जातिकाएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की कंपटीशन एग्जाम की, तो एक तो उन्हें जो है सफलता प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी में रिजल्ट अगर आने वाला है तो वो उनके परिणाम उनके अनुकूल हो गए, ये सही है। एक तो इन्हें रिजल्ट इनका 100% अच्छा होगा, साथ ही कहीं नौकरी लग सकती है सरकारी, और जो अभी तक बाधाएं आ रही थी वो सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर होगी। सूर्य और मंगल आपका इस समय जो है 8 वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। सूर्य मंगल का यहाँ पर होना जो आपके लिए थोड़ी चोट और दुर्घटना का भी चांस बना सकता है, तो वाहन आदि यदि आप चला रहे हैं तो थोड़ा धीमा चलाएं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई चोट दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। बुध आपका इस समय भाग्य स्थान में है और चंद्रमा की दृष्टि में है, तो बुध का भाग्य स्थान होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कई धर्म से जुड़े आप इस समय जुड़े रहेंगे, दान धर्म के जो है कार्य हैं वो करते रहेंगे, तो धर्म के कार्यों में आपका जो मन इस समय लगा रहेगा। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल जो आज आपने जाना शुक्र की राशि बदलने के बाद। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।